ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अक्सर आप ये बात मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, हमारे हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं। पैसे आते तो हैं, लेकिन जिस स्पीड से आते हैं उस स्पीड से चले जाते हैं। मतलब सेविंग्स के नाम पर हम शून्य हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो इससे बाहर आने का तरीका कौन सा है? ऐसे कोई उपाय बताएं कि हमारे घर में पैसा टिकने लगे। तो आज वही उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि घर में पैसे आप टिकने के कौन कौन से उपाय हैं जो बिल्कुल कारगर हैं और ये 100% आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। कई सारे जातकों को इस उपाय को करने के बाद फ़ायदा पहुँचा है और आपको भी फ़ायदा होगा। बस शर्त यह है कि इन उपायों को आप समझ लो अच्छे से और अपने जीवन में करना शुरू करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए वो है हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है। इसमें हर पूर्णिमा को करें, इसके साथ साथ हर रोज़ भी कर सकते हैं। शुक्रवार और रविवार दो दिन छोड़कर, इन दो दिन हमें पीपल के वृक्ष को जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन अगर शुक्रवार और रविवार के दिन पूर्णिमा आ रही है तब आप जल अर्पण कर सकते हैं। दूसरा उपाय है इसमें कि आटे के डब्बे में 5 तुलसी के पौधे, तुलसी के पत्ते जरूर रखें। जब भी आप आटा पिसवाएं और जब अपने आटा अपने डब्बे में रखें तब 5 तुलसी के पत्ते जरूर रखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। सुबह उठकर लाल कपड़े में 21 चावल के पूरे दाने रखें, एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दें। साथ में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। चौथा उपाय है माँ काली की रोज़ आप घर में पूजा करें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन आपके शहर में, आपके गांव में आसपास आप अगर अफोर्ड कर पाए तो माँ काली के मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर दीपक लगाएं, धूप दिया लगाएं, माँ के मंदिर में आप ज़रूर जाएं। अगर ये नहीं कर पाए तो आप मन में माँ को याद करके भी इसे कर सकते हैं। माता का चेहरा अपनी आँखों में आभा मंडल बनाकर भी इसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप गीता का पाठ रोज़ करें, एक अध्याय गीता का अपने जीवन में पढ़ना शुरू करें, रोज़ एक पाठ पढ़ें, इससे बहुत हद तक आपको फ़ायदा होगा। अपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप आप सतत करते रहें, खुद करते रहें। इसके अलावा गूगल से अपने घर में धूप दें, इससे भी बहुत फ़ायदा रहेगा। और दूसरी बात है सकारात्मक दृष्टिकोण। ओम नमः शिवाय।